अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम अल हबीब गोट फार्म इन सिद्धपुर गुजरात। दोस्तों, गुजरात में आए आप और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं कि आप यकीन नहीं कर पाते। बहुत ही तरीके से काम होता है, जो भी होता है। हमने अल हबीब गोट फार्म का ब्रीडिंग सेटअप देखा। अब हम ब्रीडिंग सेटअप से बाहर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं रेयरिंग सेटअप पे। रेयरिंग मतलब जहाँ पर हम लोग छोटे बच्चे लाके उनको रेयर करते हैं बकरीद और कुर्बानी के लिए। तो एक वॉक करेंगे हम और वो बच्चे भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो माशाल्लाह, पीछे आपका सेटअप देख लिया हमने। अब एक छोटा वॉक करते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, ओपन एरिया, ये क्या चीज़ के लिए रखा है हमने? बकरों को घूमने के लिए। अच्छा, तो दिन में छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर भी काफ़ी जगह है, है ना? उसके अलावा ये इतना बड़ी जगह, ये ब्रीडिंग मतलब ये बकरियों के लिए है जगह। हाँ, बकरियों के लिए। और पीछे जो रूम्स वगैरह हैं, हाँ, वो मतलब जो काम करते हैं लोग, हाँ, उनके फैमिली के लिए। फैमिली और किसी नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने के लिए। कोई कोई मेहमान आ जाएगा तो उसके रहने के लिए रेस्ट की जगह भी है। सही, वीडियो अंदर का ले लेते हैं रूम जी, रूम का ले लेंगे। आइए, तो दोस्तों हम लोग पहले रूम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरी ओपन जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये ब्रीडिंग सेटअप की जो बकरियां हैं, कभी उनको बाहर छोड़ना हो वगैरह उसके लिए। एंड फार्म में एक बहुत अच्छा रूम भी है, रेस्ट रूम के हिसाब से, नमाज के हिसाब से। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शाम में बैठ सकते हैं। साइड में आप वज़ू खाना देख पाएंगे। ये माशाल्लाह एक बहुत प्यारा सा रूम है यहां पर, ठीक है। और इसमें भी वज़ू खाना वगैरह भी है जी। ये देखें, वज़ू खाना और यहाँ बाथरूम वगैरह भी बना हुआ। ठीक है, माशाल्लाह। नहाने धोने की भी पूरी फैसिलिटी, अल्लाह का शुक्र। कोई मेहमान दूर से आ रहा है फार्म पे तो आके रेस्ट भी कर सकता है, नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मुर्गी वगैरह फार्म पे अच्छा होता है। थोड़ा चारा एक्सेस में था इसलिए यहाँ रखा हुआ है। ये हरी पत्ती साफ करने की मशीन है, साफ करने की मशीन है। हरी पत्ती साफ हो जाती है एंड देन बाकी चारा भी यहाँ रखा हुआ है। ये एक और प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे बैठने के लिए, मेहमान वगैरह आए तो वो हिसाब से। सो माशाल्लाह दोस्तों, ये भी देखें आप, तीन पूरे सेक्शंस में फार्म बना हुआ है, ठीक है। ये एक ओपन एरिया जब बकरे आके धूप सेक सकते हैं, ये अगर उनको धूप से छाँव की तरफ जाना है, ठीक है, अच्छा पर्दा लगा हुआ है हवा के हिसाब से। और बकरे चेक करें आप, अब ये सब कुर्बानी के लिए रेडी हो रहे बकरे हैं। सोजत, पिंक, गुलाबी, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह आपको देखने मिलेंगे। ये कुछ बकरे रेयर कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल कितने बकरे हैं हमारे पास? 28 बकरे का पूरा लॉट है। ये आप लोग खरीद सकते हैं, खरीद के पलाई पे यहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऑन वेट बेसिस, वज़न के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। कुछ बकरे दिखा भी देते, आइए हम लोग। और इनके कुछ ब्रीडर रेडी हो रहे हैं तो ब्रीडर भी आपको दिखाएंगे। सिर्फ क्वालिटी चेक करें आप लोग, माशाल्लाह फुल गुलाबी बच्चा है। इसमें ज़्यादा है बच्चे अदंत और दो दांत होंगे, अदंत ही है सब, सफ़ेद आँखों में। एक एक दो दो बकरे नहीं खरीद सकते ना इसमें, पूरा लॉट ही लेना होगा। मतलब आप लोग बेचने वालों के लिए तैयार करें, पलाई के लिए रखे तो एक दो बकरे रख सकते हैं। अगर किसी को ये बकरा पसंद आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बकरे के लिए तो आदमी आएगा नहीं यहाँ पर। अगर ऑनलाइन आपको पैसे पे कर दे और बोल दे भाई रख लो, कुर्बानी में हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे या करवा लेंगे, तो दे सकते हैं, ठीक है। छोड़ दीजिए भाई इसको, और आपके पीछे वाला बकरा मुझे बताइए, ये वाला, ये मेरा फेवरेट बकरा है दोस्तों। बकरा चेक करें आप लोग,
देखें आप इसकी सिंग देखें, चारों खुर वाइट है। और ये मट्टी का मज़ा देखें आप, ये काफ़ी अच्छा होता है इनके पैरों के लिए। फुल गुलाबी, इसकी आंखें भी पूरी गुलाबी है, माशाल्लाह क्या बात है। लाइए वो जोड़ी साथ में रखें दोनों को, इसको ही पकड़ो जोड़ी है। ये अगर कोई ख़रीदता है जोड़ी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। नंबर वन बकरे दोस्तों, एक बार आप दोनों इसके दांत देख लो, दोनों बकरों के दो दांत, अदंत है। ये अदंत है, वो दो दांत कर रहा है। ज़बरदस्त जोड़ी है, नंबर वन जोड़ी है। जो भी ये बकरे लेगा लेके आप पलाई पे छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई पूरा लॉट लेगा तो वज़न के हिसाब से बकरे बेचे जाएंगे। बोलिए इमरान भाई। ये बकरा मेरे को पसंद आया है। अच्छा, ये आपका फेवरेट। खासियत क्या आएगी ये कुर्बानी के लिए, खासियत क्या है? फुल गुलाबी मार्बल सिंग है इसके जी, तो मतलब लुक आता है पतीरा टाइप का। और इसका जो है सीना काफी अच्छा, ये देखिए अबलक बेहतरीन बच्चा, वाह जबरदस्त। इमरान भाई की पसंद का बकरा है, नंबर वन बकरा है, दिखाए वो हमने, इमरान भाई ने दिखाया वो। चलो माशाल्लाह, अभी आप इनको धूप में देखें, सब बकरे दिखाना तो मुश्किल है पकड़ के, लेकिन मैं आपको जो जो जोड़ी दिखाया मेरी फेवरेट जोड़ियाँ थी। इमरान भाई ये बकरा, भाई भाई साहब ये जो देखो आगे गया काली सिंह का, हाँ बहुत ही अलग बकरा है ये, आपको दिखाता हूँ क्यों अलग है। इसको ऐसा क्रॉस करो, देखो ये बकरे की फ्रेम वगैरह देख लो आप, गला देख लो, ये वाइट आँखों में, और इसके सिंग जो है बिल्कुल एक मालवा बकरे जैसे सिंग है इसके। फुल गुलाबी है देखें आप लोग, माशाल्लाह। कोई पूरा माल खरीदेगा भाई तो वज़न से बेचते हैं अपन, सिंगल डबल भी दे देंगे वज़न से, पर भाव में डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि कोई लॉट खरीदेगा तो बेचने के लिए खरीदेगा, और सिंगल डबल रहेगा तो वो तो एक दो ही खरीदेगा। यहाँ पलाई पे रख सकते हैं, लेकिन एक बकरा हो या दो हो पलाई पे रख सकते हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ भाई क्वालिटी एक से एक है बकरों की। तो दोस्तों ये जोड़ी चेक करें आप, दोनों अदन बच्चे मुंडे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं फुल वाइट में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं दोनों। इनका वज़न आएगा 50-55 के आसपास आएगा, ठीक है। आप ये बकरे पलाई पे अगर यहाँ रखते हैं तो ही आप बेचोगे ना जी, बाहर कोई लेके जाना चाहे तो अभी नहीं, ईद पे, ईद पे, क्योंकि ये खुद तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। छोड़ दो उनको भाई, इमरान भाई इसको लेके आओ आगे आप, जब तक आप लोग और दो बकरे ले लें। तो ये पूरे सेटअप में ये ज़बरदस्त पतीरा बकरा, जो काफ़ी खूबसूरत बकरा है, दांत में कितना इमरान भाई, अदन बारीक दांतों में, अभी ये एज अ ब्रीडर प्रिपेयर कर रहे हैं इनके पास, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ये दे देंगे, एज अ ब्रीडर लेके जा सकते हो। अगर आप बोलोगे कि यहीं रखो पालो इसको ईद तक, तो रख भी लेंगे और ईद तक इसको पाल भी लेंगे, ठीक है। छोड़ दीजिए इमरान भाई, बहुत अच्छा बकरा है, आगे से पीछे तक गुलाबी है, देखें लाओ इसको, ये भी देखें ज़बरदस्त अबलग बकरा। इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा लगता है मेरे को, मार्बल सिंग में फुल गुलाबी है, और ये रुकता नहीं एक जगह, बहुत कड़क और गर्म बकरा है। ये होगा 60 किलो के आसपास, सही है। तो एक अंदाज़ा है हमारा, जब आप ख़रीदोगे आपको लाइव वेट बता देंगे एक बार वीडियो में हम लोग, और आपको पेमेंट करना होगा और बकरा आपका यहाँ पलाई पे आ जाएगा। आप खुद आइए, हमको बहुत खुशी होएगी, इतना ज़बरदस्त फार्म आपको देखने मिलेगा। छोड़ दीजिए इसको भाई, ये बताएं कुछ अलग कलर में दो तीन बकरे, वो दिखा देता हूँ मैं आप। कुछ लोग काफ़ी पसंद करते हैं ऐसा कलर भी, ये देखें आप लोग, गला वगैरह अच्छा है बकरे का। माशाल्लाह ये दांत देख लो एक बार आप, दो दांत कर लिया है, दो दांत पक्के पक्के कर लिया इसने,
ये इसका एक और भाई है, देखें आप बतीसा कलर में, इसके दांत देख लो आप, दो दांत। ये सब बकरे 55 और 60 किलो की एवरेज वाले हैं अभी, और इंशाल्लाह 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 कुर्बानी तक 90 और 100 में ये बकरे आपको देखने मिलेंगे, जो हिसाब से बकरे यहाँ रखे गए हैं, जो हिसाब से इनकी पलाई हो रही है। छोड़ दीजिए भाई, ये एक बच्चा मेरे को बता दो बस आप, ठीक है। और इसका एक कलर वाला भाई उधर भी है, उसको भी पकड़ लो आप। कलर वाले बकरे दिखाने का मकसद ये है कि हमको बताना है कि हर तरीके के बकरे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वाइट बकरे ही मिलेंगे। देखिए आप कलर वाले बकरे, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसे बकरे। हाँ, ये देखिए आप, वाइट आइस, लंबे कान, ये पंजाब में क्रॉस हुए हुए बकरे हो सकता है ये, क्योंकि सफ़ेद आँख में आया है, दो दांत बच्चा है, 40 और 45 के बीच का वज़न होगा इसका, आई थिंक, है ना भाई? हाँ जी, उतना ही होगा। और ये थोड़ा हैवी वेट है बकरा, इसका आप 50 और 55 के बीच में ले लीजिए, ठीक है। ब्लैक चमड़ी में जो है आपको साफ बता के दिया जाएगा। देखें आप लोग, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ गुलाबी बकरे आपको दिखा रहे हैं, जो भी इनके पास माल है सब सामने है, पर ज़्यादा बकरे गुलाबी हैं, 90% बकरे जो हैं वो गुलाबी है। छोड़ दीजिए भाई इसको भी, ठीक है। जो को खाना खा रहे हैं उसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मार्बल सिंह का बकरा मेरा फेवरेट है, वाइट आइस का बकरा, मुंडा देख लीजिए, सब बकरे गुलाबी आपके सामने ही हैं, जो ब्लैक स्किन में वो भी आपके सामने है। खाना पीना यहाँ पर दिया गया है इनको, और नमक वगैरह भी माशाल्लाह रखा गया है। फीडर वगैरह देख सकते हैं आप कैसे बनाए इन्होंने, ऊपर से भी ये कवर हो जाता है तो बकरे अंदर नहीं जाते हैं, अंदर नहीं जाते तो चारा ख़राब नहीं करते हैं। ये पूरा लाइन से इनका बैठने का एरिया है, एक बार अंदर का भी दिखा देते हैं भाई। तो ये बकरे तो हैं ही, और बकरे आएंगे अभी इंशाल्लाह, लिए हुए हैं, तैयारी हो रही है। ये देखें आप कितने प्यार से अच्छे से बनाया आपने, ये फ्लोर बनाया ना आपने, मतलब क्या चीज़ का लेप है? गोबर का। तो उससे क्या फ़ायदा होता है थोड़ा बताइए लोगों को। इससे फायदा ये हो रहा है कि गर्मी में ठंडी में हीट मिल रही है, ठंडी में गर्माश होती है गोबर से। ये लेप क्या महीने में एक बार करना होता है कि हफ्ते में? नहीं, 3-4 महीने में एक मतलब करना, फिर करने की ज़रूरत नहीं, गर्माहट रहेगी इसके अंदर। छोटी छोटी खिड़की बनाई गई है एग्जॉशन के लिए, है ना, इसमें भी पूरा अच्छा नेट लगाया गया है, ऐसी छोटी छोटी खिड़की आपको हर जगह दिख जाएगी, ठीक है। ये एक सेक्शन है जो ब्रीडर्स के लिए बनाया गया है, बहुत बड़े बड़े केज हैं, दो ब्रीडर इनके यहाँ रहेंगे, और ये अगर ब्रीडर को बाहर घूमने छोड़ना है तो ये, और बाहर छोड़ना है तो वहाँ से बाहर जा सकता है। और ये जो सेक्शन है इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो रहते हैं, ताकि पूरे फार्म का व्यू मिल जाए उनको, अगर रात भर रात भी बकरे को कुछ तकलीफ़ है तो उनको आराम से मालूम पड़ जाए। ये साइड पूरा जाली का नेट है ऊपर नीचे, ताकि जो कुछ और जानवर जैसे चूहा वगैरह कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो इंशाल्लाह। ऐसे सेक्शन पूरा बाजू में भी है जहाँ कुछ और बकरे आएंगे, सेम उसके बाजू में, सेम उसके बाजू में, तो माशाल्लाह जगह बहुत है, है ना, बनी हुई जगह भी और खाली जगह भी है, जब भी आपको और बनाना है तो बना भी सकते माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये बकरे तो अगर जिसको भी चाहिए कांटेक्ट कर लेंगे, किसी को और भी बच्चे आप पलवाने हैं आपसे ही ख़रीद के, तो आप उनको वीडियो भेज देंगे जो नया माल आएगा उसका, और लोगों तक मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट माल आया जब मेरा आना हुआ तो इंशाल्लाह हम फिर से एक वीडियो आपका बना देंगे। थोड़ा एक बार वहाँ का भी व्यू दिखा देते हैं बाहर जाके, जहाँ पर और फार्म बनने की गुंजाइश है, क्योंकि पूरा ओपन लैंड है इनका। ये बाहर का पर्दा, जो ठंडी हवा नहीं आएगी, ठीक है, मौसम अच्छा है, अच्छा बना रहेगा अंदर। ये बकरों के लिए पूरा प्लेइंग एरिया, अगर आगे चल के बकरे बढ़ते भी हैं बहुत तो ये पूरे एरिया में शेड आ सकता है, और बकरे घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। और ये पूरा पार्किंग का हिसाब भी हो सकता है यहाँ पर माशाल्लाह। एक बार भाईजान आप नंबर दे दीजिए, दोनों नंबर आपके, 7977 जी 301021 ये आपका नंबर है, और ये बेटे का नंबर है दूसरा 8169 जी 654242 4242 दो बार है।
ठीक है, और किसी को भी आना हो तो यहाँ फ़ोन करके आ सकते हैं, है ना, आप रहते ही मौजूद, आप और भाईजान रहते ही आप, सही है। और अगर किसी को यहाँ से बकरा खरीद के, जैसे छोटे बच्चे दिखा, यहाँ पलाई पे रखे तो अच्छा है, पर अगर किसी को लेके जाना है तो लेके जा सकते, छोटे बच्चे लेके जा सकते, लेकिन ये जो बकरे हैं ये कुर्बानी तक यहीं रखना होगा, यही रखना है ना। उसके अलावा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, है ना, अगर कहीं भी भेजना वगैरह हो तो। और ये बकरे तो अभी 37 बताया आपने, कितने बकरे, 28 ये बकरे बिकेंगे, और बकरे लिए हुए वो आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो उनका वीडियो अगर किसी को चाहिए तो आप भेज सकते हैं। बेसिकली एक दो तो शौक ही नहीं लेगा, पूरा माल कौन लेगा जिसको बकरे में धंधा करना है, तो क्या वैसे रेट में भी फ़र्क आएगा ना, ताकि वो आदमी भी वहाँ पर दो पैसा कमा पाए, ये ज़रूरी है ना। आपने नंबर दे दिया, एड्रेस है सिद्धपुर से एक 8 किलोमीटर है काकोसी, वहाँ पर ये जो बाजू में देख रहे हैं आप घर, ये फाउंटेन हाउस है, उसके बाजू में ये हमारा हबीब महल, अल हबीब गोट फार्म, ठीक है, आराम से आ सकते हैं और बहुत इन्जॉय मज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर फैमिली के साथ भी लोग आराम से आ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। इमरान भाई एक ओवरव्यू, बकरे कैसे लगे, मेरे को तो मज़ा आ गया है। बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे है गए, और इनका मतलब केयर करने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे कैसा है कि घोड़ा जीरा की पैदावार है, तो घोड़ा जीरा भी यहीं पे मिल जाता है इनको, प्लस जगह भी अच्छी मतलब है। अगर कोई यहाँ अपने बकरे पला है, बेचने वाला आदमी भी, तो ज़बरदस्त जगह है। हाँ, तो बोलने का मतलब मेरा मानना है कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे बकरा बहुत कम बीमार पड़ता है और बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो ये दो फायदे हैं, हाँ, जो बॉम्बे में बेचता है माल, हाँ, या अहमदाबाद या कहीं भी, यहाँ बकरे पलवा सकते हैं साल भर जी, ठीक है, इनके पास माल भी नंबर वन है, और बच्चे भी आएंगे सेट करके देंगे, ये फुल जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है। अब ये बकरों में मेरे को लगता है 20 बकरे 100 किलो के हो जाएंगे, हो जाएंगे ऐसा मेरे को, और अल्लाह से उम्मीद है, बाकी करने वाली जात सिर्फ वो सिर्फ अल्लाह की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने स्पेस बहुत दिया है, बहुत, जैसे रूम के अंदर भी देखो कितना स्पेस दिया है उनके, घूमने फिरने की, ग्रेजिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा सिस्टम है। हाँ, मतलब यहाँ घूम सकते हैं बकरिया, हाँ, तो यहाँ चारा डाल देंगे, हाँ, चारों तरफ, हाँ, तो घूम फिर के, हाँ, खा लेंगे। ग्रेजिंग करने वाले बकरे अगर जो बाहर से जंगल से आए हुए मानो यहाँ पे, हाँ, उसको अलग ही, हाँ, रखेंगे, हाँ, पहले, हाँ, उनको अलग ही रखेंगे, ग्रेजिंग करके वो खा सकते हैं। और जो स्टॉल फीडिंग है वो स्टॉल फीडिंग तो है, इनका स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम भाई, आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने सब बकरे दिखाए माशाल्लाह हमारे भाई, सलाम वालेकुम भाई, और ख़ास करके आप दोनों का बहुत मज़ा आ गया। सो ये हमने पूरा कवर कर लिया, इंशाल्लाह अब ये वीडियो डालेंगे और फिर आगे रिस्पांस के हिसाब से इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे जब नया माल आ जाएगा, ठीक है। हमारा जब भी ट्रिप हो गए लाइन में, इंशाल्लाह ये बहुत मज़ा है आपका फार्म देख के, फार्म तो बहुत घूमते हैं हम लोग, पर जो तरीके से साफ़ सफाई से बारीक बारीक चीज़ों का जो आप लोग ने ध्यान रखा है ना, वो काबिले तारीफ़ है भाई। अल्लाह ऐसे ही और आप लोगों को आगे बढ़ाए, हिम्मत दे, ताकत दे आपको। अस्सलाम वालेकुम।